खूंटी में बढ़ता अपराध अब यहाँ की आवाम को डराने लगा है। कानून के रखवालों पर अपराधी काबू नहीं हो रहे। आए दिन हत्याओं से खूंटी दहल उठा है। एक बार फिर अपराधियों ने कानून का मजाक उड़ाते हुए एक मुखिया को गोली से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। अपराधियों का टूटा कहर, खटखुरा पंचायत के मुखिया की हत्या। अपराधियों ने मुखिया को मारी गोली। मुखिया जनप्रतिनिधि ने सामूहिक इस्तीफा देने की धमकी दी। खूंटी के रनिया प्रखंड के खटखुरा पंचायत के मुखिया जॉन लुगनू की गुरुवार की देर रात अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना गुरुवार की देर रात उस समय हुई जब मुखिया अपने घर पर सोए हुए थे। हथियारबंद अपराधी जबरन घर खुलवाकर उन्हें घर से बाहर ले गए और घर से निकलते ही दरवाजे पर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। 10 बजे करीब हुआ, 10 बजे के बाद सब कुछ सोए हुए थे। उसके बाद भी लोग अचानक आए और दरवाजा खटखटाए। दरवाजा खटखटाने के बाद बड़ी माँ बरांडा में ही सोती है, मानी बड़ी सास, बड़ी माँ सास, तो फिर वो बोली कि कोई आवाज कर रहा है, खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। तो हम लोग रूम में घुसे तो बोले कि इतना रात को कौन आया होगा, मत खोलिए, कोई भी रहे मत खोलिए, ऐसे बोलने के बाद नहीं खोली। उसके बाद उन लोग लात उत मारा, उसके बाद तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा कहीं खुलने के बाद एक जन घुसा कि बोला कि क्या तुमको तभी से बुला रहे हैं, तुम नहीं निकल रहे हो। तो नींद में थे वो भी मुखिया जी। उसके बाद ऐसे करके देखे तो उसको नहीं समझ में आया, तो फिर और ठीक से तो फिर उसके बाद में चलो बाहर बोले निकले। बाहर मैंने चौखट जो दरवाज़ा का है वहीं तक निकले थे और वो लोग सब बाहर में रहे। उसके बाद में पता नहीं क्या बात हुआ, वो तो बात भी नहीं कुछ सुनाई दिया, ना ही उन लोगों को देखे। उसके बाद में उसको बोले शायद कि चलो थोड़ा सा कुछ बात करना है, बल्कि वहाँ से थोड़ा सा हट के तो वो बोले कि हम चप्पल नहीं पहने, हम चप्पल पहन लेते हैं। चप्पल पहनने के लिए जैसे दरवाजा में मुड़े वैसे पीछे से गोली मार दी, गोली मार दिए और वो गिर गए। गिरने के बाद में हम क्या आवाज़ किया बोल के हम निकले बच्चा को पकड़ के, तो देखे तो गिर गए थे। गिरने के बाद उसको घसीटे, घसीट के बाहर निकाले मैंने दरवाजा से बाहर। उसके बाद फिर उसको पूरा छाती होती आपको पता नहीं कहाँ कहाँ दिखेगा उसमें। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को शुक्रवार की सुबह मिली, जिसके बाद पुलिस ने मृतक मुखिया का शव घटना स्थल से बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। एसपी साहब से अवगत कराया माननीय मुख्यमंत्री को कि हमारे साथ क्षेत्र में विभिन्न तरह की समस्या आती रहती है, आए दिन बिना सुरक्षा के हम अपने क्षेत्र में जाते हैं और कौन दुश्मन है कौन दोस्त है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये पिछले विगत दिनों एक घटना हो चुकी है और ये फिर हमारे एक साथी के साथ ऐसी घटना हुई। इसलिए हमारा यही मांग है कि या तो सुरक्षा या हम सामूहिक इस्तीफा। महज चंद दिनों के अंदर मुखिया के साथ दूसरी घटना को लेकर जिला मुखिया संघ ने घटना की तीव्र निंदा करते हुए मामले में पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। अन्य मुखिया जनप्रतिनिधियों के लिए सुरक्षा प्रदान करने और मांगे नहीं माने जाने पर सभी मुखिया जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक इस्तीफा देने की धमकी भी दी है। ये बहुत ही दुखद बात है कि कल रात मेरे मुखिया साथी जो जॉन लुगुन जी का कुछ अपराध कर्मियों द्वारा हत्या कर दिया गया और ये लगातार हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले बार भी एक ओखड़ा पंचायत के मुखिया पुष्पा भेंगरा पर इस तरह से जानलेवा हमला हुआ। हमने प्रशासन को और सरकार को ये बताने का काम किया कि भाई आप ये इस तरह का हत्या का दौर को रोकिए और अन्यथा हम जो मुखिया संघ है उग्र आंदोलन करेंगे और जो जो सरकार की जो विफलताएं हैं उसको हम पर्दाफाश करेंगे। अगर इस कदर मुखिया पर हमले होते रहेंगे तो कानून की इज्जत कौन करेगा। हालांकि खूंटी में बिगड़ती कानून व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है, ऐसे में मुखिया की हत्या का खुलासा कब तक हो पाता है देखने वाली बात होगी। गुना के लिए खूंटी से अरविंद सिंह की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।